अस्सलाम वालेकुम सर, हमने आपको गाड़ी की डिटेल्स भेज दी। मैम अभी तक मेरी गाड़ी नहीं है। यहाँ आपकी गाड़ी 5 मिनट तक पहुँच जाएगी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। अरे अंकल, कहाँ गए थे आप? आपका ही वेट कर रहा था। आओ बरखुरदार, गाड़ी में बैठो। ओके। अंकल प्लीज तेज चलाइए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। बरखुरदार, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको आपकी मंजिल पे पहुँचा दूंगा। अंकल मेरे पास 5,000 का नोट है, आपके पास टूटे होंगे? बेटा मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरी आखिरी सवारी होगी ना, उस दिन मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूंगा। तो आज मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। अंकल आपने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी है, और आपको पता है आजकल इस्लामाबाद वैसे भी हादसों का शहर बन चुका है। कोई बात नहीं, जो होना होगा, जो अल्लाह का रजा मंदी होगी वही होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह है ऊपर देख रहा है। अंकल ये कौन सी जगह है? बरखुरदार लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। हाँ, एक दोस्त की शादी पर आया हूँ। अरे अंकल आपने नहीं बताया, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में चांद से प्यारी मेरी एक माँ, मेरे दो बच्चे और एक बहुत खूबसूरत बीवी है। मगर बेटा आज मैं उन सब से बहुत दूर चला गया। अंकल आपकी ये गाड़ी क्यों रुकी हुई है? ये मेरे वालिद साहब की निशानी है, इसको मैं हर वक्त पहन के रखता हूँ। मुझे वो अपने वालिद साहब के करीब रखती है घड़ी। अरे बहुत अच्छा, लो बेटा आपकी मंजिल आ गई। अंकल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। प्लीज ले ले। नहीं, आज मेरी आखिरी सवारी है। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं कभी भी आखिरी सवारी लेने पैसे नहीं लूंगा। अरे अंकल बहुत शुक्रिया। ओके बेटा, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। अरे अंकल ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। नहीं बेटा इसकी कतई जरूरत नहीं है। अरे अंकल रख ले ना, प्लीज रख ले। नहीं नहीं बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे आप जैसे खूबसूरत इंसान बहुत कम मिलते हैं। अंकल प्लीज इसे रख ले, मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। चले ठीक है, आप रख दे दे। सॉरी सर, आपको थोड़ा लेट इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन हमने जो गाड़ी भिजवाई थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। What? हम आपको दूसरी गाड़ी भिजवा देते हैं।
मेरे पास 5,000 का नोट है, आपके पास टूटे होंगे। बेटा मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरी आखिरी सवारी होगी ना, उस दिन मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, जो होना होगा, जो अल्लाह का रजा मंदी होगी वही होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह है ऊपर देख रहा है। कि जिस दिन मेरी आखिरी सवारी होगी ना, उस दिन मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूंगा।